हमारे अगले साइंटिस्ट हैं चरक। अच्छा, लाइफ साइंस जो है, आप ये समझना, लाइफ साइंस भी एक साइंस है, ठीक है। आयुर्वेद भी एक साइंस है, आयुर्वेद धर्म से अलग है। आयुर्वेद की जो चीजें हैं वो प्रूवन फैक्ट है, वो असर करती हैं जो चीजें बताई गई हैं, इसलिए ये भी साइंस, लाइफ साइंस एक बहुत बड़ा पार्ट है साइंस का। चरक, और उसमें चरक का सबसे बड़ा नाम, चरक को आयुर्वेद का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ आयुर्वेद, ठीक है। चरक ऋषि को, चरक ऋषि के बारे में हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। अच्छा, इनकी रियल डेट के बारे में तो नहीं पता है, कहीं कहीं पर ये बिफोर क्राइस्ट ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं, कहीं कहीं पर ये लिखा जाता है कि जब कनिष्क भारत में था, कुषाण डायनेस्टी थी और कनिष्क का रूल चल रहा था, पहली शताब्दी ईस्वी में, फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा एडी में, पहली शताब्दी में, तब चरक उसके समकालीन थे या उसके टाइम के थे, ठीक है। तो चलो कैसा भी हो, लेकिन कनिष्क का नाम आपको याद रखना है कि अगर हिस्ट्री में पूछा जाता है तो चरक इसके समकालीन है, कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के समकालीन है। चरक ने एक बहुत फेमस बुक लिखी जिसका नाम है चरक संहिता, ठीक है। ये चरक संहिता आयुर्वेद की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आयुर्वेद में वैसे तीन बुक हैं और तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, तीनों ये जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं एंशियंट के, एक तो चरक हो गए, दूसरी हम पढ़ेंगे सुश्रुत, जो सुश्रुत संहिता है, और तीसरी बुक है अष्टांग हृदयम। ये तीन किताबें, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम, ये तीन किताबें आयुर्वेद की तिकड़ी हैं। इनको बृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है, बृहत्त्रयी के नाम से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बृहत्त्रयी कौन है। आयुर्वेद की तीन सबसे फेमस बुक्स, एक तो चरक ने लिखी चरक संहिता, ये तो आगे हम पढ़ेंगे, सुश्रुत ने लिखी सुश्रुत संहिता और वाग्भट ने लिखी अष्टांग हृदयम, ठीक है। तीनों की एक एक किताबें हैं जो आयुर्वेद की तिकड़ी हैं, बृहत्त्रयी के नाम से जानी जाती हैं। चरक ने क्या, देखो चरक आयुर्वेद, आयुर्वेद क्या बोलता है, आयु की बात करता है कि आयु बढ़ाने का वेद, ये ऐसा वेद है। तो चरक ने क्या बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा, ये लाइन बहुत कोट की जाती है, खुद बताई जाती है कि अगर आप, चरक क्या बोलते हैं, चरक के बाद संहिता का निष्कर्ष, आयुर्वेद का निष्कर्ष ये है कि अगर आप अपना आहार, आहार ही क्या है, दवा है, मेडिसिन है, आपको दवाओं की जरूरत नहीं, जो आप खा रहे हो वही दवाएं हैं। अगर आप उन्हीं चीजों पर कंट्रोल करते हो कि क्या इंटेक कर रहे हो, अंदर क्या ले जा रहे हो, तो फिर डिजीज बीमारी आपको नहीं होगी। हालांकि ये बोला जाता है कि चरक को ये भी पता था कि कुछ ज्यादातर बीमारियां तो ऐसी ही होती हैं जो हम खाते पीते हैं उससे, लेकिन कुछ बीमारियां वायरस पैथोजन से भी होती हैं, सबको पता है वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से हो जाती हैं, उसको तो हम नहीं खाते ना, वो तो ऐसे हो जाती हैं। चरक को पता था, लेकिन चरक ने अपना पूरा फोकस, क्योंकि ये मानते थे कि ज्यादातर बीमारियां होती हैं खाने पीने की वजह से, तो उन्होंने वो जो वायरस वाली फील्ड थी उस पर ज्यादा वो नहीं गए, वो इस फील्ड पे रहे, खाने पीने वाली पे, आहार पे, तो जो मेन है जिससे बीमारी हो ही ना, ठीक है। तो चरक ने क्या बात बोली, देखो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा, उन्होंने बताया कि जब हम लोग खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमारे शरीर में तीन धातुएं ऐसी, ब्लड मतलब रक्त खून, दूसरा हो गया फ्लेश मांस, तीसरा है मैरो मतलब मज्जा, ठीक है। इन ती, तीन ये तीनों क्या है, खाने से इनका रिएक्शन होता है और इन रिएक्शन से तीन धातुएं बनती हैं, वात पित्त और कफ, इनको त्रिदोष बोला गया, तीन दोष, वात पित्त और कफ। पूरा आयुर्वेद इन्हीं चीजों पर आधारित है, सबने नाम भी सुने होंगे, वात पित्त कफ, त्रिदोष कौन कौन से हैं, वात पित्त कफ। और उन्होंने बोला कि अगर ये वात पित्त कफ बैलेंस रहे तब कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर वात पित्त कफ में इन त्रिदोषों में बैलेंस बिगड़ गया तो फिर बीमारियां शुरू होंगी। जो कम ज्यादा कम होगा उसके हिसाब से क्या बीमारी होगी, जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से क्या बीमारी, तीनों का बैलेंस बिगड़ सकता है, कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है, और अगर बैलेंस बिगड़ा तो डिजीज होगी, बीमारी होगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वात पित्त कफ के बारे में मैं भी बताता हूँ कि क्या है, क्या सिस्टम है, ठीक है, अगली स्लाइड में। लेकिन उससे पहले ये दो चीजें इनके बारे में और देख लेते हैं, चरक के बारे में, कि चरक ने अपनी चरक संहिता में टीथ को मिलाकर टोटल 360 बोन्स बताई, ठीक है। ये उस टाइम, फिर से बात आप देखो, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, 360 बोन, अभी हमें पता है 206 बोन होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन उस टाइम भी ये एनाटॉमी का अध्ययन करने लगे थे, शरीर की
क्या आंतरिक संरचना का अध्ययन करने लगे थे। बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। चरक एक चीज पर बहुत बिल्कुल क्लियर निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कंट्रोलिंग ऑर्गन क्या है, शरीर का हार्ट है, जो हृदय है वो कंट्रोलिंग ऑर्गन है, ठीक है। और उसमें उन्होंने बताया था कि 13 वेन्स होती हैं जो पूरे शरीर में ब्लड ब्लड का संचार करती हैं, ये सब चीजें। तो काफी हद तक उन्होंने ऑर्गन का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही किया कि कंट्रोल कर रहा है उसको, ठीक है। वात पित्त कफ के बारे में मैं एक चीज बता रहा हूं, आप देखना। ये देखो वात पित्त कफ का ये एक सीक्वेंस होता है कि जो पंचभूत होते हैं ना, पांच तत्व, सबने सुने होंगे पांच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इथर, ये पांच तत्व हैं। इन पांचों के तत्व, इनमें से दो दो तत्वों के मेल से ये बनते हैं, त्रिदोष बनते हैं। जैसे वात है, वात ये वाला वात, ये एयर और स्पेस, आकाश और वायु और आकाश के मिलने से बनता है। वायु और आकाश इसका रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। तो ये बताते थे कि जिसके अंदर वात का दोष बढ़ जाएगा ना, उसके अंदर जो वायु का काम क्या होता है, बहना, तो जो बहती चीजें हैं ना, जैसे पानी बहता है शरीर में, ब्लड बहता है, तो उसको ब्लड से जुड़ी हुई समस्याएं, पानी से जुड़ी हुई समस्याएं, ये सब समस्याएं होंगी। उसको एंग्जाइटी भी हो सकती है, थॉट रुक नहीं रहे उसके, वायु का प्रतीक है ना ये सब चीज। बड़ा लॉजिकल था ये आयुर्वेद, अभी भी जो अगर आप आयुर्वेद से किसी से मिलोगे तो पता चलेगा हर चीज लॉजिकल है उसमें। तो वात वाली समस्याएं हो जाती हैं। दूसरा कहाँ गया, पित्त। पित्त देखो ये फायर और वाटर के मिलने से बनता है, अग्नि और जल के मिलने से बनता है ये पित्त। पित्त जो है आग को कंट्रोल करता है, ठीक है। और पित्त के में बोलते हैं ये एंजाइम और हार्मोन्स को कंट्रोल करता है शरीर के, जो एंजाइम्स और हार्मोन्स के ऊपर नीचे से समस्याएं होती है वो पित्त की समस्याएं होती है। इसी से जो पेट वाली समस्या होती है ना, डाइजेशन वाली, वो भी इसी से रिलेटेड होती है, पित्त वाली समस्याएं। कफ, ये अर्थ और वाटर के मिलने से बनता है कफ, ठीक है, पृथ्वी और वाटर के, जल के मिलने से कफ बन रहा है, ठीक है। कफ जड़ता का प्रतीक है, उसमें इसमें ये जिसको बढ़ता है वो आलस रहता है उसके अंदर, रहता है वीकनेस रहती है, ये सब चीजें रहती है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है ना। तो ये सब ये आयुर्वेद का सिस्टम है जो वात पित्त कफ त्रिदोषों के पे आधारित रहता है। तो ये चरक का आयुर्वेद है। अच्छा एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनको फादर ऑफ मेडिसिन, इन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने क्योर भी बताया, इसलिए फादर ऑफ मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन, फिर से बात, फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलोगे आप चरक को। उसमें बताया गया कि किस डोज में, किस बीमारी में कौन से रसायन, कौन सी चीजें आपको खाना बेहतर है, तो मेडिसिन की फॉर्म में ही है, तो फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। अच्छा वैसे अगर आप फिर से बात में वो कर रहा होता हूँ ग्लोबली, फिर से भाई आप तो आयुर्वेद को रिकॉग्निशन मिल रही है, लोग जान रहे हैं, पहले तो इसको भी नहीं जानते थे। तो वैसे सबको ने नाम सुना होगा हिपोक्रेटस का, हिपोक्रेटिक ओथ भी ली जाती है जो डॉक्टर्स बनते हैं, उनको एक शपथ लेनी पड़ती है कि भाई हम अपने पेशेंट का बिना भेदभाव और सही से ख्याल रखेंगे ना, हिपोक्रेटिक शपथ बोलते थे उसको, वो ली जाती है, उनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। अब तो ये तो काफी दिनों से न्यूज में आ रहा था कि हिपोक्रेटिक ओथ को भारत में चरक के नाम से ही करने जा रहे हैं, चरक शपथ अब बोला जाएगा, उसको भी हटाएंगे शपथ को, और इनके नाम से जो डॉक्टर्स बनेंगे ना, 5 साल में MBBS कंप्लीट करते हैं, तो उनको चरक शपथ लेनी पड़ेगी ना। तो चरक है ये आयुर्वेद के जनक, ये लाइफ साइंस के पहले हमारे साइंटिस्ट है।